कुमार नहीं, हाँ नीतीश कुमार नहीं पलटे हैं, लोग पलटे हैं, इसीलिए तुहिन सिन्हा आपने पलटी मारी है, अनुप्रिया कह रही हैं, उन्होंने पलटी नहीं मारी है तुहिन सिन्हा, जवाब दीजिए। खेला खत्म हो गया, ये सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा जो जो टेक अवे है इस पूरे परिवर्तन में वो ये है कि एनडी अलायंस का खेला खत्म हो गया। अब आरजेडी अगर यदि अभी भी वो कल्पना कर रही है कि खेला होगा, तो ये सभी एनडी अलायंस के जो घटक दल थे इनमें बहुत इनमें सब में जो है करप्शन के केसेस जो है व्याप्त हैं, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, शायद वहां खेला हो जाए। लेकिन देखिए दो बातें बहुत जरूरी है कि बिहार को जब जब आरजेडी की सरकार बनती है किसी भी फॉर्म में, तो क्राइम और करप्शन का जो है वो सारी हदें पार कर जाती है, तो इससे बचाना बहुत जरूरी था। और अगर नीतीश कुमार जी वापस आ रहे हैं या वापस आए हैं, तो देखिए एक क्रेडिट आप उनको दे सकते हैं कि उन पर कोई करप्शन का, उन पर कोई जो है क्राइम को बढ़ावा देने का आरोप नहीं है। दूसरी बात, 2024 में जो हमारा लक्ष्य है एक ऐतिहासिक विजय की ओर हम अग्रसर हैं, वहां बिहार की भूमिका बहुत अहम होने वाली है। और जो पिछली बार भी 2019 में जो हमारा अलायंस था उससे हमने जितनी सीटें हमने लड़ी थी वो सारी जीते थी, और इस बार भी वही रिपीट होने वाला है। लेकिन जो उससे बड़ी बात है, देखिए कांग्रेस की अक्षमता, कांग्रेस जिस प्रकार से इंडी अलायंस को के सारे घटक दल को गुमराह कर रही है और पिछले 7 महीने से इस देश में टाइम पास पॉलिटिक्स कर रही है, वो भी आज पूरी तरह से ओके। तो इन सिन्हा एक मिनट, आपने इससे पहले कांग्रेस के रवैये से पहले जो दो बातें कही, मैं एक बात के लिए आपकी दाद देता हूं। आपने ईमानदारी से माना कि 2024 में भैया हमको तो चुनाव जीतना है और ऐतिहासिक एक आंकड़ा लाना है, रिकॉर्ड बनाना है, इसलिए हमने, देखिए राजनीति है, हमने नीतीश कुमार का साथ ले लिया। लेकिन उससे पहले आपने जो नीतीश जी की तारीफ की, कल तक तो बड़े तीखे तीखे बाण चलाते थे उन पर, दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है, बिहार का क्या हाल कर दिया, और अचानक 24 घंटे में आपने भी तो पलटी मारी है। अनुप्रिया भी कह रही है पलटी हमने नहीं मारी, मैं दोबारा पूछ रहा हूं आपसे, नीतीश कुमार ने पलटी नहीं मारी, बीजेपी और आरजेडी ने मारी? नहीं, राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। इस वक्त जो देश और राज्य के हित में है वो ज्यादा आवश्यक है, और मेरे ख्याल से भाजपा का स्टैंड हमेशा बड़ा कंसिस्टेंट रहा है। हमने छोड़ के नहीं गया, हम कभी छोड़ के नहीं गए नीतीश बाबू को। नीतीश जी जब जब गए हैं तब तब, और जब जब वापस आए हैं तो उन्होंने अपने कारण ढूंढे हैं। भाजपा का स्टैंड बड़ा ओके ऑलराइट, मतलब आपकी राय अनुप्रिया से अलग है, आप कह रहे हैं हम नहीं गए, नीतीश जी आपके पास आए हैं। नहीं, ये तो उनके बयानों से, अगर आप पुराने बयान देख लें तो ये वो छोड़ के गए ना, हमने कभी नहीं कहा कि आपको छोड़ने की आवश्यकता है। मैं यही चाह रहा था, देखिए इसीलिए बीजेपी और जेडीयू के प्रवक्ता राष्ट्र की बात में नेशनल टेलीविजन पर दोनों कह रहे हैं हमने पलटी नहीं मारी, हमारा स्टैंड कंसिस्टेंट है, दूसरे वाले ने मारी है। ओके